पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, बोले पंजाब मॉडल खोखले वादों से नहीं व्यापक रिसर्च पर तैयार किया गया। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी पर अखिलेश का फूटा गुस्सा, बोले चुनाव से पहले जानबूझकर हुई कार्रवाई, सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के पड़े छापे। आज फिर उत्तर प्रदेश में पीएम, यूपी को आज एक और सौगात देंगे पीएम मोदी, शाहजहांपुर में करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा, राजस्थान में 30 सालों से चली आ रही हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा को तोड़ना चाहते हैं सचिन पायलट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा शानदार, शुरू होगी भाजपा की उल्टी गिनती। देश के नए सीडीएस की चयन प्रक्रिया शुरू, रेस में आर्मी चीफ एमएम नरवणे सबसे आगे, हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का हुआ निधन। राजस्थान में ठंड का कहर, राजस्थान के फतेहपुर में -3.3 डिग्री पहुंचा पारा, चूरू समेत कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप। कोरोना का फिर बढ़ा कहर, चंडीगढ़ के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट मामले में एक साइंटिस्ट गिरफ्तार, जांच में नहीं मिला टेरर एंगल। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, ओडिशा में हुआ परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। नीति आयोग ने दी चेतावनी, कहा भारत में ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैला तो तीसरी लहर में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। बांग्लादेश पर भी ड्रैगन की बुरी नजर, सीपीईसी के बहाने बांग्लादेशी खजाने को खाली कर रही चीनी कंपनियां, टैक्स चोरी का आरोप। दुनिया में कोरोना का फिर बढ़ा कहर, इजरायली संसद के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, नेतन्याहू सहित 130 लोगों को क्वारंटाइन किया। रूस ने की यूएस से मांग, कहा यूक्रेन और कोई भी पूर्व सोवियत देश नाटो से नहीं जुड़े। तालिबान दिखा रहा है अपना असली रंग, यूनाइटेड नेशंस के लिए अफगानिस्तान के राजदूत ने दिया इस्तीफा, तालिबान का था दबाव। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के आए बुरे दिन, आधी जनता भूख से मर रही, करेंसी का हो रहा पतन। क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंतित आरबीआई, बोर्ड बैठक में रिजर्व बैंक ने कहा क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगे, सरकार पहले ही इस पर जता चुकी है चिंता। फिर से उड़ान भरने को तैयार जेट एयरवेज, कर्ज समाधान योजना पर अमल की प्रक्रिया को तेज करने की मांग। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस, कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज से मुलाकात करवाने के लिए पिंकी ईरानी को दी थी मोटी रकम। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा में दिशा पाटनी की हुई एंट्री, राशि खन्ना भी दिखाएंगी दम, 11 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में देखी जाएगी फिल्म। आईपीएल में लखनऊ को मिल गया कोच, जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंडी फ्लावर संभालेंगे कमान, फ्रेंचाइजी की निगाहें अब केएल राहुल पर।